Hello friends, welcome to the Olchemy channel. Now we are going to start the new session. उसको हमने नाम दिया है एग्जाम बूस्टर. एग्जाम बूस्टर ऑलरेडी हमारी टेलीग्राम चैनल पर चल ही रहा था, ठीक है ना? आपको पता ही है पर डे दो क्वेश्चन आ रहे थे. हम इसको अभी यूट्यूब चैनल पे लाए हैं कि पर डे हम मिनिमम 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? और वो भी रेफरेंस से लेंगे, ठीक है? इसलिए मेरे को पर्सनल मैसेज भी मिला था कि हम थियरी के साथ साथ क्वेश्चन भी सोल्व करें, ठीक है? तो वो बेटर रहेगा. तो हम आपकी सेवा में हाजिरी है, इसलिए न्यू सेशन चालू कर रहे हैं, ठीक है? एग्जाम बूस्टर. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? मेरे को कॉम्प्लेक्स दिया है हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेड 2, ठीक है? क्या दिया है मेरे को? हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेड 2. उसका पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं. हेक्सा फ्लोरो क्या दिया है मेरे को? हेक्सा फ्लोरिडो. आईपीसी नेम में उसको फ्लोरिडो ये हेलोजन पे हैलिडो लिखते हैं, ठीक है? हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्टेट 2, ठीक है? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? कोबाल्ट क्या है मेरा? एक्स ले लेता हूं मैं उसको, प्लस एफ में किस कौन सा चार्ज होता है? -1. कितना दिया है? 6 -6 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या दिया है? -4, ठीक है? तो एक्स मेरे को क्या मिलेगा? -4 + 6 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू +2. कोबाल्ट का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ? ये मेरा कोबाल्ट क्या है? +2 फॉर्म में, ठीक है? ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया. अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं डिटेल में ऑप्शन के साथ कि वो हमको हमारे पास से क्या करवाना चाहता है. ये कॉम्प्लेक्स दिया है और पूछ रहा है हमको कि मेरा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आउटर ऑर्बिटल होगा या डायमेंट होगा. मीन्स कॉम्प्लेक्स ये पूछना चाहता है कि पहले तुम मेरा हाइब्रिडाइजेशन निकालो, फिर उसमें देखो कि मेरा डी ऑर्बिटल जो यूज हो रहा है वो आउटर ऑर्बिटल हो रहा है या इनर ऑर्बिटल हो रहा है. और फिर भी वो बाद में डिटेल में ये पूछ रहा है हमको कि मेरे हाइब्रिडाइजेशन के दौरान मेरा कॉम्प्लेक्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है. अगर होगा देन पैरामैग्नेटिक, नहीं होगा देन डायमैग्नेटिक. चलो देखते हैं. पहले मैं आपको इसका एक ट्रिक बता देता हूं. अगर ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है और उसमें मेरे को sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो मेरा कॉम्प्लेक्स होगा वो आउटर होगा. क्या होगा? मेरी d2 की जो ऑर्बिटल यूज हुई होगी वो आउटर ऑर्बिटल हुई होगी. और ये कॉम्प्लेक्स पॉसिबिलिटी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि ये आउटर ऑर्बिटल जब यूज हुआ होगा मेरा कॉम्प्लेक्स होगा. ऑलवेज कोई कैसा होगा? हाई स्पिन होगा. हाई स्पिन मीन्स मेरा रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा उसमें, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा. फिर दूसरा ट्रिक बोलता हूं. जब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा कोई भी कॉम्प्लेक्स में, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है देन मेरा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक, ठीक है? तो होगा मेरा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक. अगर मेरा अनपेड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, अनपेड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट, तो मेरा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? डायमैग्नेटिक, ठीक है? अब देख लो, अगर मेरा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है मेरे को ऑर्बिटल कैसा मिले, हाइब्रिडाइजेशन कैसा मिले, d2 sp3, ठीक है? अगर d2 मेरा अंदर के साइड है, पहले d2 आया तो ऑब्वियसली मेरा जो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल यूज हुआ है वो ऑर्बिटल होगा इनर, ठीक है? तो ये याद रखने का, अगर sp3 d2 दिया है तो पॉसिबिलिटी है कि मेरा ऑर्बिटल जो यूज हुआ है वो आउटर होगा. एंड d2 sp3 दिया है देन मेरा ऑर्बिटल यूज हुआ होगा वो इनर होगा, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स को देखते हैं. हमको ऑक्सीजन स्टेट मिल गया था कोबाल्ट का कि
कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्ट्रक्चर कितना था, प्लस टू, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन देखते हैं कोबाल्ट की, कोबाल्ट 27 नंबर का है, ठीक है। तो आर्गन 3d7 4s2 और प्लस टू, उसका ऑक्सीजन स्ट्रक्चर हमको मिला था प्लस टू, जो बाहर का इलेक्ट्रॉन होगा वो निकल जाएगा, तो प्लस टू होगा, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d7, ठीक है। अब हम उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, फिर हमको पता चलेगा हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर कि मेरा डी ऑर्बिटल जो उसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा उसमें डी ऑर्बिटल कौन सा यूज हुआ है, आउटर वाला हुआ है इनर वाला हुआ है। और फिर बाद में हमको कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन भी दिख जाएगा तो फिर पता चल जाएगा कॉम्प्लेक्स मेरा पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल में सबसेल कितना होता है, पांच, फिर एस में एक, तो पी में कितना होता है, तीन, ठीक है, और एफ में होते हैं सात। अभी एफ की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मेरा है 3d, ये मेरा है 4s और ये मेरा है 4p, ठीक है। मैंने कितने इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में दिया है, ठीक है, 7 दिया है। कॉम्प्लेक्स मेरा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसलिए मैं कंटिन्यू, अगर लो स्पिन होता है तो मैं इसको स्प्लिट करता T2g Eg में, ठीक है, कि पहला इलेक्ट्रॉन T2g में जाएगा, फिर तीन बनेंगे, अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो वापस चौथा इलेक्ट्रॉन भी T2g में ही आएगा, ठीक है। इसको भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है इसलिए मैं इसको स्प्लिट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवा, ठीक है, ये मिल गया मेरे को। ये अभी इसमें दो पेड हुआ है, सिंगल है, ठीक है, मीन सिंगल है मीन्स क्या है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसको, अगर पेड होगा इसको पेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो पेड होगा सब तो मेरा डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। अगर अनपेड मिलेगा कोई भी, चारों में से कोई भी एक भी मिल गया तो मेरा कॉम्प्लेक्स को कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो मेरे को कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन इधर मिला, तीन। तो ऑब्वियसली मेरे को ये तो पता चल गया कि मेरा ये कॉम्प्लेक्स में तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो मेरा कॉम्प्लेक्स होगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, तो मेरे का ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही निकल गया, ठीक है। अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में क्या बोलते हैं, F6, ठीक है। तो ये पांच तो फिर हो गया, ठीक है, तो मेरा जो 6f है कहाँ लगेगा, इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में, ठीक है। तो 4s उसका वैकेंट, एक f इधर लगेगा, दूसरा f इधर लगेगा, तीसरा एफ इधर लगेगा, चौथा इधर लगेगा, ठीक है, और बाकी और एक मेरा वैलेंस ऑर्बिटल होगा 4d, इसको मैं इधर ड्रॉ करता हूं, ठीक है। चार लग गया, टोटल कितना है, 6, एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, ये क्या है मेरा 4d। तो एक s, तीन पी एंड दो डी, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। मेरा हाइब्रिडाइजेशन क्या मिला मेरे को, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 मीन्स मेरा हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल जो यूज हो रहा है, अगर ये होता, ये यूज होता, ठीक है, तो मैं इसको इनर ऑर्बिटल बोलता, लेकिन मिला कौन सा, वैकेंट वाला, ये वाला, तो इसको बोलेगा आउटर ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब तुमको आंसर मिल गया कि मेरा कॉम्प्लेक्स कैसा है, उसमें डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है वो कैसा है, आउटर ऑर्बिटल, एंड बिकॉज ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मेरा कॉम्प्लेक्स क्या है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और एक बात बता देता हूँ कि अगर मेरे को एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है मेरे कॉम्प्लेक्स में, तो उसका बोहर मैग्नेट्रॉन क्या मिलेगा, ठीक है, उसका भी एक ट्रिक बता देता हूँ। सपोज मेरे कॉम्प्लेक्स में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे को म्यू स्पिन, ठीक है, क्या मिलेगा, अंडर रूट n n+2, ठीक है। अगर n का मिल, n मीन्स क्या है, मेरा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो
रखता हूँ, ठीक है, अभी एक रखता हूँ, वन वन प्लस टू कितना आएगा, रूट थ्री। रूट थ्री मीन्स बोर मैग्नेटन, बोर मैग्नेटन क्या मिलेगा हमको, 1.73। अगर मेरे कॉम्प्लेक्स में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसका बीएम क्या होगा, ठीक है, 1.73 बीएम होगा, ठीक है। अगर दो है तो क्या होगा, 2.83, अगर टू इलेक्ट्रॉन है। अगर तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, 3.87। अगर चार अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या मिलेगा, 4.90। और पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, 5.92। थ्री डी मेटल में मैक्सिमम 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट क्रोमियम। क्रोमियम में 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अक्सर स्टेट में जाता है तो 4 इसका एक निकल के जो उसकी वैकेंट ऑर्बिटल होती है उसमें चले जाएगा, ठीक है। तो वो टोटल उसमें 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी थ्री डी मेटल में पूरे में मैक्सिमम कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा मेरे को, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो आई थिंक मेरे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको आंसर दे सकता हूँ। या तो कोई डाउट लगे तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल है द होल केमी, मैं आपको उधर भी आंसर दूंगा, आप मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। एन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल आयन हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट 5.92। क्या दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट 5.92। एंड अदर ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स ऑफ सेम मेटल आयन इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नेटिक मोमेंट इज 1.75। ठीक है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन कुड इट बी। ठीक है, हम तो ये कहना चाहता है कि मेरा कॉम्प्लेक्स होगा उसका सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, सेम मेटल है, लेकिन एक टाइम उसका बोहर मैग्नेटॉन मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, 5.92 बीएम, दूसरी बार होगा वो 1.75 बीएम है। तो ऐसे भी देख के पता चल जाता है कि 5.92 मीन्स नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कंसिडर किया होगा और इसको लो स्पिन कंसिडर किया होगा, फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्या दिया हमको, Fe+2। Fe+2 मीन्स उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, D में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6। ठीक है, तो D हम ड्रॉ करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, सब सेल इसमें 5 होता है। ठीक है, Fe+2 है मीन्स मेरा 3D6 होगा ना, 3D6। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5। ठीक, और छठा इधर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, अभी आपको बोला था कि अगर मेरे कॉम्प्लेक्स में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मेरा मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 1.73 बीएम। ठीक है, अगर दो है तो 2.83 बीएम, अगर तीन है तो 3.87 बीएम, अगर चार दिया है 4.90 बीएम, अगर 5 दिया है तो 5.92 बीएम। ठीक है, ये नोट कर लेना अपनी बुक में। ठीक है, तो देख लो कि हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक मेटल है मेरा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, 5.92। मींस 5.92 मींस क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन उसमें 5 हो गए। और दूसरा क्या पूछा है, एक का बोहर मैग्नेटॉन कितना है, 1.75। तो किससे नजदीक है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन से, तो इसका बोहर मैग्नेटॉन कितना होगा, ये 1.75। तो मीन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा उसमें, एक। ठीक है, तो हमको ये पूछना चाहता है कि मेरा ऐसा कॉम्प्लेक्स बताओ, मेरा ऐसा मेटल बताओ कि जिसका उसका मेटल सेम हो, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो, और उसमें एक कॉम्प्लेक्स में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो और एक कॉम्प्लेक्स में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है,
तो इधर देख लो, इधर कितना अनप्रिंटेड इलेक्ट्रॉन मिला है, चार। तो इससे भी इसकी पॉसिबिलिटी कम हो गई कि चार नहीं हमको पांच चाहिए, ठीक है, इसके पास चार है तो ये मेरा ऑप्शन निकल गया, ठीक है। तो दूसरा देखते ये क्या है, कोबाल्ट प्लस टू, कोबाल्ट प्लस टू मीन्स थ्री डी कितना होगा, थ्री डी सेवन, ठीक है, इसका ड्रॉ करते हैं पांच, पांच सब सेल है इसकी, एक दो तीन चार पांच छह और सात, इसमें नंबर वन पे इलेक्ट्रॉन कितना है, तीन है, ठीक है, यहाँ पे कितना है, फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन, इधर कितना है, तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन, तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन मीन्स मेरा बराबर मॉडुलेटर कितना मिलेगा, थ्री पॉइंट एट सेवन, लेकिन हमको चाहिए कितना, फाइव पॉइंट नाइन टू, तो इसका पॉसिबिलिटी भी नहीं है, तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब देखते हैं Fe प्लस थ्री, Fe प्लस थ्री मीन्स एक दो इलेक्ट्रॉन 4s से निकल जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन 3d से, तो कितना बचेगा d में, Fe प्लस टू में d6 है तो Fe प्लस थ्री में 3d5, ठीक है, तो एक मेरा इलेक्ट्रॉन इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर, ठीक है, टोटल कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन, कितना है, फाइव अनपेड इलेक्ट्रॉन, हमको कितना चाहिए, पांच ही चाहिए, 5.92 पॉसिबिलिटी है कि ये हमारा आंसर हो, फिर भी एक देख लेते हैं ये दूसरा, बाद में ये 1.75 को बाद में देखते हैं, ये भी देख लेते हैं, कोबाल्ट प्लस थ्री, कोबाल्ट प्लस थ्री मीन्स कोबाल्ट प्लस टू कितना था, 3d7, कोबाल्ट प्लस थ्री, एक इलेक्ट्रॉन डी से भी निकल जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 3d6, छह इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, इसमें है फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन, हमको चाहिए कितना, पांच, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को ही देखा तो हमको आंसर मिल गया कि मेरा आंसर सी होगा, फिर भी हम देख लेते हैं उसका लो स्पिन करके, ठीक है, हम अभी डी टी को हमारी डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करेंगे टी टू जेन एजी में, ठीक है, इसको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है ना, अगर मेरी डी ऑर्बिटल है अभी इसका ही एफ थ्री को लेके जाता है, ठीक है, एफ ए प्लस थ्री, इसमें कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, थ्री डी मेटल में फाइव, ठीक है, मेरा स्प्लिट है क्या, एक बनेगा ई टू जी, एक बनेगा ई जी, एक बनेगा पीजी, कितने इलेक्ट्रॉन था इसमें, पांच, और हमको इधर क्या कंसीडर कर रहा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन, लो स्पिन मीन्स मेरा, लो स्पिन मीन्स पहले मेरा फील होगा टी टू जी, बाद में ईजी में जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो पहला मेरा इलेक्ट्रॉन इधर आया, सेकंड इधर आया, थर्ड इधर आया, लेकिन फोर्थ कहाँ जाना चाहिए, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता तो इधर जाएगा, लेकिन हमको कंसीडर करना है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो फोर्थ मेरा कहाँ जाएगा, इधर, और फिफ्थ इधर, तो अभी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना मिला मेरे को, एक, क्या मिला अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अगर मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताया था अंडर रूट एन एन प्लस टू, एन इज इक्वल टू वन रखेंगे, वन प्लस टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री इंटू वन इज इक्वल टू थ्री, अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू 1.73 bm, हमको कितना चाहिए था, 1.75 दिया है, तो ये अप्रोक्सली वही 1.73 है, ठीक है, तो हमारा आंसर मिल गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, अगर कुछ डाउट हो कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि डाई पॉजिटिव मेटल आयन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज फॉर्म एन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स विथ मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, 4.9 bm, 4.9 आपको मैं बताया था कि 1.73 होगा तो 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, 2.83
3 होगा तो 2 होगा, 3.87 होगा तो 3 होगा, और 4.9 होगा तो 400 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इधर क्या कहना चाहता है, 4.9 बोर मैग्नेटॉन है तो मेरा अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 400 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, एंड अनदर ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स विच इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में बोला था ना आपको टंगस्टन कंडीशन, कि अगर मेरे कॉम्प्लेक्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, देन मेरा कॉम्प्लेक्स कैसा है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक अगर कॉम्प्लेक्स में मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, देन मेरा कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब पूछा है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, मैं आपको बता देता हूं पहले 3D, 4D एंड 5D सीरीज क्या है। ठीक है, 3D सीरीज नाम नहीं बोलूंगा मैं उसको, अब मैं कैसे याद रखूं आपको बोलता हूं। स्कैंडियम से चालू करते हैं, ठीक है, ST वडोदरा कॉर्पोरेशन में पेको नी कुंज। ठीक है, क्या है, ST वडोदरा कॉर्पोरेशन में पेको नी कुंज। ठीक है, 4D बोलता हूं, हमारा जरूरी है तो हमारा तीन ही सीरीज है। ठीक है, 3D 4D एंड 5D इथेरियम से चालू करता हूं, यानी जरा निभा के मौत तक रुक, राह में पड़ आग में कूद। क्या है उसका शॉर्ट ट्रिक, यारी जरा निभा के मौत तक रुक, राह में पड़ आग में कूद। ठीक है, और 5D क्या है, कहां से स्टार्ट होगा, लेंथनेट से, ला अप्सा वसूल करे उधर इधर पिटाई और होगी। ठीक है, ये तीनों सीरीज नो डाउट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आपको ऐसे याद रखना है, और ट्रांजिशन मेटल के लिए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लिए ऐसे याद रखना। ठीक है, आपको जैसे याद रह सके आप याद रख सकते हो। ठीक है, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, 3D मेटल है, ST वडोदरा कॉर्पोरेशन में फेको निकुंज। ठीक है, फिर यारी जरा निभा के मौत तक रुक, राह में पड़ आग में कूद। फिर 5D मेटल है, ला अब का वसूल करे उधर इधर पिटाई और होगी। ठीक है, अब हम जाते क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, 3D मेटल मेरे को बोला है तो हम किसका यूज करेंगे, यही। ठीक है, हमको यही ट्रांजिशन मेटल ऑलरेडी ऑप्शन में दिया है, 3D मेटल ही दिया है, कोई 4D 5D में से नहीं दिया। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आई होप कि आपको ये ट्रिक अच्छा लगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या कहना चाहता था कि 4.9 बोर मैग्नेटन है, एक तो पहले तो फाइंड करो कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसमें 4 होगा वो हमारा होगा आंसर। ठीक है, पहले देखते हैं Fe+2 मीन्स होगा D6, फिर Cb+2 मीन्स D7, Mn+2 ये क्या होगा D5, एंड Nc+2 इसमें कौन सा होगा D8, क्योंकि जिसमें जो 4s2 में जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है वो सब ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण वो दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन सब 4s में से निकल गया। ठीक है, अब D6 मीन्स D ऑर्बिटल का 5 सब ऑर्बिटल में ड्रॉ करता हूं। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर, फिर छठा वापस इधर आएगा। ठीक है, तो इसमें कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, हमको कितना चाहिए, 4 ही तो चाहिए, आंसर मिल गया हमको ये। ठीक है, लेकिन देखते हैं इसमें भी क्या है, ये 3, 7 है मेरा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरा, 6 भरा हूं। ठीक है, तो सातवा किधर आएगा, इधर आएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा इसमें, इसमें मेरे को मिलेगा 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, मिलेगा मेरे को 300 इलेक्ट्रॉन, और बाद में है क्या है D5 मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये दो उतार देता हूं मैं, इधर से 2 निकाल देता हूं, कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4 एंड 5,
500 इलेक्ट्रॉन मीन्स बोहर विकिरण कितना होगा 5.92, हमको चाहिए कितना 4.9, ठीक है, इसमें 500 इलेक्ट्रॉन, ये भी मेरा नहीं होगा। ये देखते हैं D8, ऑलरेडी 5 फिल किया है, छठा इधर डालता हूँ, सातवा इधर, आठवा इधर, टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 2 ही, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, हमको रिक्वायर्ड कितना है 4, आंसर बॉक्स कौन सा होगा हमारा Fe+2। अब बोलता है कि वो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा जब जब वो लो स्पिन होगा, लो स्पिन मीन्स इसको मैं उठा के इधर डाल देता हूँ, देखो ऑलरेडी ये दो छह, इसमें कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन डी में कितना होगा Fe में D6, ठीक है, ये दो को हटा दिया, उसको वेकेंट, ये दो ऑर्बिटल होगा, अगर मेरा कोई कॉम्प्लेक्स दिया होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा तो भी वो D2 वाला बनेगा, क्योंकि इसमें डी है, दो दो डी वैकेंट है। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन में बोला था कि अगर मेरे को अंदर वाला डी यूज हो जाए मेरा हाइब्रिडाइजेशन में तो इसको हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, मेरा D2 sp3 होगा और इसको हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल, ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे कि जिसमें D2 ऑर्बिटल मेरा जो यूज हो रहा है वो इनर वाला हो रहा है। और मैं आपको तभी बताया था कि जब इनर वाला होगा तब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वही होगी कि जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, पहले क्वेश्चन को समझना इम्पोर्टेंट है, अगर क्वेश्चन समझने में गलती कर दी देन ऑप्शन ही गलत टिक मार के आ जाओगे फोकट में, अपना माइनस नेगेटिव मार्क करोगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक, क्या पूछा है, डायमैग्नेटिक मीन्स हमको समझ लेना है कि उसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है 0, ठीक है, तो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स पूछ लिया तो उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। सॉल्व करते हैं, पहला कॉम्प्लेक्स क्या है मेरा Fe6-4, Fe का इतना कितना चार्ज होगा, ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा Fe का Fe-1, तो क्या लेता -6, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना दिया है -4, x=-4+6, x=, क्या मिला मेरे को +2, इधर Fe क्या है Fe+2, और ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे तो पता चलेगा कि हमको डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन लेना है, ठीक है, तो Fe+2 मिल गया मेरे को Fe+2। अब देखो ये मेरा कैसा कौन लिगेंड है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, वीक लिगेंड नहीं है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो मेरे कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल में क्या होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स में कभी भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाए, ओनली 3D मेटल की बात कर रहा हूँ, 4D में कोई मैटर नहीं करता, या 5D में, 4D एंड 5D कोई मैटर नहीं करता कि तुम्हारे पास किस प्रकार का लिगेंड है, उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस होगा ही होगा, ठीक है, कोई भी मेटल हो, चाहे कोई भी मेटल हो, हेलोजन ले लो, ठीक है, तो उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ही। फाइल 3D में, 3D में हमको ध्यान रखना है कि मेरा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक लिगेंड है, ठीक है, जब कोऑर्डिनेशन पढ़ाएंगे तब डिटेल में जाएंगे इसके बारे में, अभी क्वेश्चन पे देखते हैं कि CN हमारा क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है मींस रीडिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस। अब मैं उनको उसका ऑर्बिटल ड्रॉ करता हूँ, क्या है D6 है, ठीक है ना, Fe+2 D6 होगा, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, 4s होगा, 4p होगा, एंड 4d वेकेंट, ये सब वेकेंट होगा, एक इलेक्ट्रॉन मेरा इधर आया, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर और छठा इधर, ये मेरा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में कैसा इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट होगा ये देख रहा हूँ। अभी लो स्पिन है मेरा कॉम्प्लेक्स, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, यहाँ, इसको मैं ऑलरेडी T2g और E2g में आपको समझाया हूँ स्प्लिट करके कि T2g और E2g में कैसे होता है, तो मेरा ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया,
अब ये इलेक्ट्रॉन ये कहाँ जाएगा, इधर, ठीक है। तो अभी वैकेंट क्या मिला मेरे को, ये दो, फिर इधर एक मेरा साइन लग जाएगा, इधर एक सी एन, इधर एक सी एन, इधर एक सी एन, इधर एक सी एन, इधर एक सी एन। वाइब्रेशन क्या हो मेरा, ये कौन सा ऑर्बिटल है, थ्री डी, मीन्स डी टू एस पी थ्री, कैसा कॉम्प्लेक्स है, इनर स्फीयर ऑर्बिटल यूज होने वाला, ठीक है। नंबर वन पे इलेक्ट्रॉन जीरो, मेरा कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ, डायमैग्नेटिक, देखते हैं सेकंड वाला, ठीक है, इसको ही मैं यूज करूंगा, चलो दूसरा बना लेता हूं अभी। तो ये मेरा कैसा हो गया ना, ये डायमैग्नेटिक है, ठीक है, देख लेता हूँ। ये कोबाल्ट प्लस टू विथ क्या है, एमोनिया लिख है, एक बार देख लो, कोबाल्ट है ना एक्सेप्शनल केस वाला केस है, ठीक है। कोबाल्ट प्लस थ्री होगा जब, जब भी मेरा कोबाल्ट प्लस थ्री ऑक्सीजन स्टेट कोबाल्ट का प्लस थ्री होगा, तब उसके साथ वाटर भी होगा ना, तो भी ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, क्या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस होगा ही होगा, ठीक है। जब एस टू होगा एनएस थ्री होगा इन प्रेजेंस ऑफ प्लस थ्री ऑक्सीजन स्टेट, अगर प्लस थ्री ऑक्सीजन स्टेट और कोबाल्ट का और इसके साथ एलिगेंट आप देख लो, तो इसमें इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तुम कंसिडर करोगे, क्या कर कंसिडर करोगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अगर कोबाल्ट प्लस थ्री है और उसके साथ कोई हेलोजन कंटेंट, हेलोजन कंटेंट लिगेंड है, ठीक है, हेलोजन है, एस सी एन है, एन सी एन भी कोई एस कंटेंट है, ठीक है, एनसीएस है, फिर कोई सल्फाइड है, कोई भी हो, ठीक है, ये एस कंटेंट कोई भी दिख जाए या तो कोई हेलोजन दिख जाए, तो ये उसके साथ चाहे प्लस टू हो प्लस थ्री हो उसके साथ वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, मेरा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, बट इन प्रेजेंस ऑफ एस टू एंड एमोनिया ये मेरा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, लो स्पिन, लो स्पिन मीन्स कोबाल्ट, इधर कितना प्लस थ्री ऑक्सीजन स्टेट है कोबाल्ट का, कोबाल्ट प्लस थ्री होगा क्या, डी सिक्स सेम एज अबव जैसे ऊपर किया था वो, ठीक है। अब मैं पहले इलेक्ट्रॉन फील नहीं करूंगा, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, ठीक है ना। ये मेरा थ्री डी है, फोर एक्स, फोर पी एंड फोर डी, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर दूसरा इधर, ये ओन रूल फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। अगर इसको मैं स्प्लिट करूंगा ऐसे, कर देता हूं, अगर मेरा डी डी सिक्स है, ठीक है, उसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं टी टू जेड इजी में, ठीक है, टी टू जेड इजी में स्प्लिट किया हूं कि ये है मेरा टी टू जी, ये है मेरा इजी, ठीक है। तो मेरा पहला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, फिर चाहे वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो चाहे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन कभी इधर नहीं आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इधर आएगा, क्यों, इधर नहीं आएगा इधर ही आएगा, क्यों, फिर ये ओन रूल फॉलो नहीं करेगा, अगर इधर आएगा तो, इधर आएगा तो ओन रूल फॉलो नहीं करेगा। ओन रूल क्या कहता है कि जब तक मेरा सब ऑर्बिटल खाली हो ना, सब ऑर्बिटल खाली हो ना, तब तक इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओन रूल मेरे को ये बोलता है, तो मीन सब ऑर्बिटल मेरा सब ये तीन है, टी2g में कितना सब ऑर्बिटल है, तीन है, ठीक है, तो एक दो और तीन। अब ये परमिशन तभी देता है तुम्हारा चौथा इलेक्ट्रॉन इधर आए, ठीक है, ये चौथा इलेक्ट्रॉन पेड करने की परमिशन तभी देता है, ठीक है, कि जब ये सब फिल हो जाए, अगर ये खाली है तो तुम डायरेक्टली दो इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं भर सकते, ये ओन रूल को तुमने वायोलेशन किया, ठीक है। तो हम कितना इलेक्ट्रॉन फिल करना है, छह, एक दो तीन चार पांच एंड छह। नंबर वन पे इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, इसमें भी जीरो, मेरा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, डायमैग्नेटिक, हाइब्रिडेशन केस कौन सा होगा, हाइब्रिडेशन इसमें, इसमें भी इनर स्फीयर ऑर्बिटल यूज हो रहा है, ठीक है, तो ये भी मेरा कौन सा है, डायमैग्नेटिक एंड डी टू एस पी थ्री, ये है मेरा डायमैग्नेटिक, ये भी मेरा डी टू एस पी थ्री, ठीक है, ये भी डी टू एस पी थ्री। थर्ड वन देखते हैं,
BCO5 ये कैसा लिगेंड है, प्रोटोटी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है लेकिन न्यूट्रल है, ठीक है। तो ऑक्सीजन स्टेट एफी का कितना होगा, एफी का ऑक्सीजन स्टेट इधर होगा जीरो, जीरो ऑक्सीजन स्टेट मीन इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन क्या होगा, मैडम आर्गन 36, आर्गन 36 4s 2, ठीक है। तो 3 को ड्रॉ करते हैं, ये 4s, ये सब वैकेंट ऑर्बिटल है उसको ड्रॉ किया, ठीक है। अगर मैंने 3d ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक दो तीन चार पांच छठा इधर, और फॉरेस में दो, ठीक है। अब इसका है ये लिगेंड कैसा है मेरा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ऑब्वियसली, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। ये मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, इधर, ये क्या आ जाएगा इधर, ये दोनों खाली हो गया। अब ये दो क्या करेगा, ये भी दोनों इधर आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा इधर। तो बचेगा कौन सा एक, ये बचेगा, ये वैकेंट बचेगा, एक्सीओ इधर एक्सीओ इधर एक्सीओ इधर एक्सीओ इधर एक्सीओ इधर। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, डी एस पी 3, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसमें जीरो है, मीन्स कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। हाइब्रिडाइजेशन क्या मिला मेरे को, डीएसपी 3। ऐसे सवाल से हम कितने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, ठीक है। ये दूसरा क्या पूछता है, कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या पूछेगा, कॉम्प्लेक्स मेरा आउटर ऑर्बिटल वाला है या इनर ऑर्बिटल वाला, क्या पूछेगा, आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल। मीन्स इनर मीन्स ये वाला कि जिसका डी टू पहले आए वो इनर वाला होगा, जिसमें एसपी थ्री डी टू होगा ये आउटर वाला होगा, ठीक है ना, ये याद रखने का। फिर क्या बोलेगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, क्या पूछ सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बोला हूं मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बोर मैग्नेटन से, बीएम से, ठीक है। एन हमारा क्या है इधर, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या पूछता है, सेप पूछ सकता है, सेप, ठीक है। अगर डी टू एसपी हाइब्रिडाइजेशन है मेरा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ऑक्टाइट्रल। जैसे मेरे को इधर क्या मिला थर्ड वाले में, डीएसपी 3, ये कैसा होगा मेरा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, कैसा कॉम्प्लेक्स है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है ना। तो आपको सेप भी पूछ सकता है, तो ये ऐसे क्वेश्चन पे कितने सारे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। मैं आपको बोला हूँ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, आउटर ऑर्बिटल है या इनर ऑर्बिटल है वो भी पूछ सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ सकता है, शेप पूछ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं अब नया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, द डी ऑर्बिटल यूज फॉर डीएसपी टू हाइब्रिडाइजेशन, डीएसपी टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टेट्रासाइनोन्यूक्लियेट 2, ठीक है, टेट्रासाइनोन्यूक्लियेट 2 के लिए। ये पूछ रहा है कि जो मेरे ये कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन मेरे को मिल रहा है डीएसपी 2, उसमें जो मेरा डी ऑर्बिटल है वो कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है। हम इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये वाला कौन सा यूज होगा ये हमको पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमको पहले स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल देख लेते हैं, अगर वो पता होगा तो आप क्वेश्चन ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग देखते हैं,
सबसेल कितना रहेगा, पांच, ठीक है, पांच सबसेल रहेगा, ये मेरा क्या है डी, तो मैं स्प्लिट करता हूं दो में, ये क्या होगा मेरा पीजी, एक होगा पी टू जी, ये क्या है पी टू जी, और ये क्या है मेरा पी जी, ठीक है। इसमें कौन सी यूज होती है, एक तो डी एक्स जेड होगा, डी वाई जेड होगा और डी एक्स वाई होगा, इसमें होगा डी एफ स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें होगा एक डी जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर अगेन इसको स्प्लिट करते हैं, ये स्प्लिट किया, ये स्प्लिटिंग किसका है, ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग है, किसका है ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग। अब ये स्प्लिटिंग देखो, इजी का स्प्लिट करते हैं, एक होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक होगा डी जेड स्क्वायर। टीटीएल का स्प्लिट करेंगे तो डी एक्स जेड वाई जेड, इधर, छठा इधर, बाकी कैसा रह गया दो, फिर
सा होगा, सातवां इधर आठवां इधर, खाली कौन सा रहा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि यूज कहा होगा हाइब्रिडाइजेशन में, और हमको क्या पूछा है कि डी ऑर्बिटल यूज फॉर डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन, तो हमको चाहिए था क्या डी, और मिल गया हमको डी कि जो मेरा वेकेंट ऑर्बिटल होगा वो कहाँ यूज होता है हाइब्रिडाइजेशन में, मेरा आंसर क्या आएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कौन सा दिया है ए में दिया है एक्सजेड वाई जेड डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई, और डी में यह दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो मेरा आंसर कौन सा होगा डी होगा करेक्ट। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, वीडियो थोड़ा लंबा किस किया इसलिए थोड़ा शॉर्ट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पांच क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, डिटेल में जाएंगे, एक ऑप्शन को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको कोई भी प्रकार का इश्यू हो, क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल है उसमें आप हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास कोई मटेरियल का इश्यू है तो हमारे पास एक द ऑलकेमी लाइब्रेरी करके चैनल है, आप उसमें जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उधर से मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।